यूक्रेन जाने से 6 वीक पहले जब पीएम मोदी जी रूस पहुंचे थे तो रशिया के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन की पीठ को 4 बार थपथपाया था और दुनिया को एक संकेत दिया था कि आखिर रूस और भारत एक सच्चे दोस्त क्यों कहे जाते हैं। अब वही शब्द एक बार फिर से यूक्रेन में देखने को मिला है और पीएम मोदी जी ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मिलते ही एक बड़ा ऐलान करते हुए साफ कर दिया कि अब भारत यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए तैयार है। अब आपको सारी जानकारी डिटेल में इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए और वीडियो में ये बात बिल्कुल साफ है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सामने पहुंचे तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी जी से हाथ मिलाते हुए उन्हें गले लगा लिया, जिसके बाद पीएम मोदी जी ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर ये साफ कर दिया कि भाई अभी युद्ध खत्म होने वाला है और अब भारत एक बड़ा जियोपॉलिटिकल पावर बनने वाला है क्योंकि पीएम मोदी जी ने व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के अब कंधों पे हाथ रख ही दिया है। तो इससे ये साफ संकेत मिलता है कि अब ये युद्ध खत्म होने वाला है क्योंकि व्लादिमीर पुतिन अब इन दोनों ही नेताओं को मध्यस्थता के मंच पर लेके आने वाले हैं क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सामने ही पीएम मोदी जी का जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट आया है वो ये है। और अब आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि इंडिया रेडी टू प्रोएक्टिवली हेल्प एंड वॉर विद रशिया, यानी कि पीएम मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि भारत अब पूरी तरीके से यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है। और अब अगर पीएम मोदी जी इस युद्ध में कूद ही गए हैं तो इस युद्ध का खत्म होना लगभग तय है क्योंकि इस बार यूक्रेन अकेले पीएम मोदी ही नहीं बल्कि भारत की पूरी कूटनीतिक टीम पहुंची है जिनमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी से लेकर एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हैं और ये धुरंधर भारत की ताकतवर कूटनीति के वो ताकतवर शेर हैं जो दुनिया की कूटनीति को बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए पीएम मोदी जी के इस बड़े बयान से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब ये युद्ध खत्म होकर ही रहेगा क्योंकि इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध के अंदर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ रशिया यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा किए बैठा है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी अब रशिया के अंदर घुसकर इनकर्जन शुरू कर दिया है। इसलिए अब इस युद्ध को रोकने के लिए पीएम मोदी जी ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखकर ये साफ कह दिया है कि ज़ेलेंस्की ब्रदर आप चिंता ना करो, हम अपने मित्र पुतिन से कहकर इस युद्ध को खत्म कराएंगे। क्योंकि पीएम मोदी जी का खुद ये स्टेटमेंट देखिए जहां पर पीएम मोदी जी ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि इंडिया वॉज नेवर न्यूट्रल ऑलवेज ऑन साइड ऑफ पीस, कि भारत यूक्रेन युद्ध पर न्यूट्रल नहीं है, भारत तो केवल शांति के पक्ष में है। आपको बता दें कि पीएम मोदी जी अब तक रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर न्यूट्रल थे लेकिन अब अचानक से पीएम मोदी जी का बयान बदल गए और ये बात बिल्कुल साफ है कि अब यूक्रेन युद्ध का नक्शा बदलने वाला है। और पीएम मोदी जी के इन वर्डों से आप लोग साफ समझ सकते हो कि पीएम मोदी जी अब यूक्रेन युद्ध में खुलकर कूद गए हैं क्योंकि पीएम मोदी जी ने अब खुलकर ये साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध को खत्म कराना चाहते हैं और जब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा तब तक शांति कायम किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती। इसलिए आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि भारत इस युद्ध को खत्म कराने में कामयाब होता है या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।